फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ लेग पीस बिरयानी। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स, ये रेसिपी जानने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देना फ्रेंड्स। चलिए अभी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने 12 पीसेस लेग पीस इस तरफ कट करके लिया है, बीच बीच में इस तरफ, ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक चले जाए। और यहाँ पे मैंने कट किया हुआ कोरिएंडर लीव्स लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने घर पे ही तैयार किया है, कूट के लिया है एक्चुअली। और ये कुछ पुदीना लीव्स और ये ग्रीन चिल्ली, यहाँ पे मैंने 5 ग्रीन चिल्ली लिए थे, और एक में मैंने 2 टुकड़ा करके इस तरफ कट करके लिया है। और यहाँ पे अक्के मसाले लिए हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा दालचीनी लिया है, लवंग है 4 से 5 पीस, और कुछ काली मिरिया है, और 2-3 पीस मैंने इलायच लिया है, और ये नींबू का रस है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा कांदा इस तरह चॉप करके लिया है। कांदा एक्चुअली इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लगता है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर चॉप करके लिया है, और ये दही लिया है, और ये तेल, और ये घी है, और ये भी मसाले में तेज पत्ता जाएगा 2, और ये चिकन मसाला है, और ये जीरा पाउडर है, ये धनिया पाउडर, ये चिल्ली पाउडर, आपके स्वाद के अनुसार ले लेना इसको, और इन ये हल्दी पाउडर है, और ये गरम मसाला है, और ये नमक है। और मैंने ये कलर्स लिया है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, अगर आप साल में एक बार बनाते हैं तभी इसको यूज़ करना, नहीं तो आप अगर रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो कलर को मत लेना। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर और ये ग्रीन कलर लिया है। और यहाँ पे मैंने लॉन्ग ग्रीन के राइस लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से धो के रखे हैं, और मैंने इसको इस तरफ पानी में सोख होने के लिए रखा है 1 आवर के। चावल का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया है, आप जाके वहाँ पे भी चेक करके आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, या फिर आपके कोई लोकल मार्केट से भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो चलिए अभी हम पहले हमारा चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे, तो बताती हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। तो पहले मैं इसमें दही डालूँगी अभी, और इसके साथ ये सारे जो मसाले निकाल के रखे हैं सभी डाल देंगे इसमें। फिर नींबू का जूस, कुछ कोरिएंडर लीव्स, थोड़े पुदीना पत्ते, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये सभी डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करके 1 आवर रेफ्रिजरेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरफ हमारे कर्ड्स हैं वहाँ पे भी हम मसाले को इस तरफ अच्छे से भर देंगे, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो चिकन को इस तरफ हमने मसाले के साथ अच्छे से मिला दिया है, अभी हम इसको 1 आवर के लिए, मिनिमम 1 आवर रखना है फ्रेंड्स, और मैक्सिमम आपके पास जितना टाइम रहेगा उतना भी आप रख सकते हैं। अभी हम इसको रेफ्रिजरेट में रख देंगे। जब तक कि हमारा चिकन अभी मैरिनेट हो जाता है, तब तक हम ऑनियन को अच्छे से फ्राई करके रखेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने अभी तेल डाला है, अभी वेट करेंगे तेल गर्म होने तक। फिर तेल गर्म है क्या? हाँ फ्रेंड्स, तेल तो अभी अच्छे से गर्म हो चुका है। इस तरफ बहुत सारा ऑनियन है, तो हम सभी को एक ही साथ डाल के ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, तो हम इसको 2-3 पार्टीशन में फ्राई करके ले लेंगे। तो सिर्फ इतना ही डालेंगे अभी के लिए, और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसको अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। तो इस तरफ ये गोल्डन ब्राउन तक हो चुका है, अभी हम इसको निकाल के साइड में रखेंगे। इस तरफ मैंने 4 पार्टीशन में करके पूरे कांदे को अच्छे से इस तरफ फ्राई करके लिया है, अभी इस तरफ इसको फ्राई करके रख लेना। तो फ्रेंड्स, पहले अभी हम इसमें तेल डालेंगे अभी। तो ये जो कांदा फ्राई करके जो हमने तेल बच गया था, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको ही पहले ही ले लेंगे। और 1 चम्मच में तेल डाल रही हूँ, तो अभी मैंने इसमें तेल लिया है, अभी वेट करते हैं तेल गर्म होने तक। तो तेल अभी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे कट करके जो चिल्ली रखे थे वो डालेंगे पहले, और उसके बाद हम टमाटर जो कट करके रखे थे वो डालेंगे। पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना।
अभी 2 मिनट बाद अभी हमारा मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन अभी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी इसको लीड बंद करके अभी हम 10 मिनट ऐसे ही पकाएंगे और बाद में इसको साइड बदल देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमारा साइड हम चिकन का साइड बदल देंगे इस तरह। और इसको अभी हम लो मीडियम फ्लेम पे एडजस्ट करते हुए और 1-10 मिनट और अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड जब तक कि हमारा अभी चिकन गल रहा है तब तक हम राइस की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़े पतीले में मैंने पानी रखा है इस तरह और मैं अभी इसमें पुदीना पत्ते डालूँगी, सम कोरिएंडर लीव्स और जो ये अक्के मसाले हमने निकाल के रखे थे वो भी हम इसमें डालेंगे और 2 तेज पत्ते और इसमें अभी और एक चीज़ है 1 टेबलस्पून आपको इसमें तेल भी ऐड करना है ताकि हमारे राइस चिपके ना। अभी हमें इसमें नमक भी ऐड करना है, नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करना फ्रेंड्स। तो इसको एक उबाल आने तक अभी वेट करेंगे। चिकन एक बार चेक कर लेते हैं अभी। तो चिकन ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है इस तरह, एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अभी हमें इसमें जो हमने फ्राई करके जो ऑनियन रखे थे इसको भी थोड़ा आधा इसमें ऐड करना है अभी। तो वापस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी चिकन अच्छे से गलने तक अभी हम इसको और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैंने और 15 मिनट्स तक पकाया था लो मीडियम फ्लेम पे एडजस्ट करते हुए और बीच बीच में इसको चलाना भी पड़ता है नहीं तो ये नीचे से इस तरफ जल जाता है। तो इसको हमेशा बीच बीच में 5-5 मिनट में हमें चेक करना ज़रूरी रहता है इसको। तो ये हमारा चिकन अभी रेडी हो चुका है। तो अभी मैं इसको फ्लेम को बंद कर देती हूँ। तो हमने पानी रखा था चावल के लिए वो भी अच्छे से बॉयल हो गया है, अभी हमें चावल ऐड करना है इसमें। चावल डालने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट ही इसको ऐसे ही छोड़ना है और जैसे ही 8 मिनट हो जाएंगे हमें गैस को बंद करके जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसको ड्रेन करके निकाल देना है। बिकॉज ये पानी तो ऑलरेडी इतना गर्म रहता है फ्रेंड्स और चावल भी जल्दी से ही पक जाता है, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है इसमें। तो फ्रेंड्स 8 मिनट हो गए हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं राइस हमारा इस तरफ हो गया है। अभी मैं गैस फ्लेम को बंद करूंगी और एक पानी को अच्छे से ड्रेन करके हम ले लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने पानी निकाल दिया है और इस तरफ ये हमारा चावल हो गया है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा भगोना लिया है कंटेनर इस तरफ का। अभी हम इसमें पहले चिकन डालेंगे 1st लेयर। तो पहले मैंने 1st चिकन पूरे अच्छे से नीचे पूरा डाल दिया है। तो अभी मैं इसके ऊपर से फ्राई किए हुए ऑनियंस डालूंगी थोड़े और थोड़े कोरिएंडर लीव्स डालेंगे हम ऊपर से इस तरह।
और अभी हम मैश ले रहे हैं इसका, चावल से करेंगे। तो फैला के डालना है और ध्यान से डालना है। मैंने चावल अभी डाल दिया है, अभी मैं इसमें थोड़ा कलर डालेंगे। अभी पहले मैंने अभी ग्रीन कलर डाला है, अभी अभी ऑरेंज कलर डालेंगे इसमें। फ्राइड ऑनियंस वापस एक बार डालूंगी। और कुछ ये कोरिएंडर लीव्स डालना है इस तरफ ऊपर से। और स्टेज में हमें इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड करना है फ्रेंड्स, इस तरफ आप भी इसमें घी ऐड कर देना। तो अभी हम इसको फॉइल पेपर से अच्छे से क्लोज कर देंगे। के बाद में हम इसको इस तरफ ढक के दम दे देंगे 5 मिनट। दम देने से पहले फ्रेंड्स तवे को इस तरफ अच्छे से गरम करके लेना है और फिर हम गरम तवे के ऊपर भगोना रखेंगे। अभी तवा अच्छे से गरम हो गया है, गैस फ्लेम को अभी हम एकदम धीमे पे रखेंगे और इस पर अभी हम भगोने को 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। फ्रेंड्स ये 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, अभी ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो इसको एक लाइक ज़रूर देना फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स बाय।